नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, कल से भाई आया हुआ है, बैठे हैं दोनों चीजें खाले और टाइम बज गया है 9। सुबह से उठ के बातें घड़ी जा रही है और चाय पी जा रही है और कुछ नहीं काम हो रहा। बच्चे भी सो रहे पड़े हुए आराम से मस्त, क्योंकि क्या बोल लग रहे हैं, अभी पढ़ाई तो इतनी शुरू नहीं हुई ना, उनकी किताबें आई तो वो भी पढ़े बस आराम से। मैं कहा चलो भाई लेट जाओ और क्या, मम्मा रोज रोज तो आते नहीं, कभी कभार ही यहाँ अपना करो एंजॉय मम्मा के आने का। पढ़ी दोनों मैंने, यहाँ पर प्यूर हुई और कृष्णा लेटा हुआ है उधर। हम उठ गए थे, काफ़ी देर हो गए, बस बैठे बातें कर रहे, चाय पी रहे, बातें कर रहे, चाय पी रहे। अभी मैं चाय ही बनाने लग रही और ये देख लो इनके पता नहीं क्या घुटमुट सी हो रही, मेरे से ज़्यादा घुटमुट आपस में कर रहे हैं दोनों। तो जी सुबह ये हो रही है, बस अब चाय पी गए, लास्ट चाय है, इसके बाद नहाएंगे धोएंगे नाश्ता पानी का इंतजाम करेंगे और देखूंगी क्या क्या करना। पहले तो शकल को सुधारूंगी, शकल खराब हो रही बहुत, इसको ठीक करना जरूरी है। सुबह से उठ रहे जैसा रिफ्रेशमेंट सा नहीं मिल रहा, तो बस देखूंगी चाय पी कर मुंह को अच्छी तरीके से धोऊंगी, फेस वॉश वास्ते। सुबह तो नॉर्मली धो लिया था पानी का, पर अभी से फ्रेश करना जरूरी। तो पहले हम पियेंगे चाय और अगर बातों में लग गया टाइम तो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, पर ये है जी, चलिए कोई नहीं, कभी कभी ही आवे सब, रोज तो कोई नहीं आता और काम तो रोज के ही है, चाहे सारा दिन कर लो चाहे थोड़ी देर कर लो। फ्रूट वगैरह ले लो जी, कुछ ले वो तो। चलिए जी चाय ले लेती हूँ पहले और उसके बाद बैठ के देखते हैं आगे आगे की प्लानिंग क्या क्या करना है आज। तो जी देखिए यहाँ पे ये लेने लगे हैं सब्जी और फ्रूट, दोनों ही थे इनके पास, तो मैं कहा चलिए सब्जी ले लेते हैं। सुबह सुबह ना जो ये आते हैं इनके पास फ्रेश सब्जी मिल जाती है, तो मैं कहा चलिए ले लीजिए। और आलू के पराठे बनाने थे तो आलू भी मुझे लेने थे, तो बस मैं कहा चलिए ले लीजिए। सब्जी सुबह के टाइम ना बहुत अच्छी मिलती है और फ्रूट वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद मैं और ये पी रहे हैं चाय यहाँ पे और बातें भी कर रहे हैं, तो बातें तो अपनी खैर ख़त्म नहीं होती, कभी भी मिल जाएं हम भाई बहन मिल जाएं या कोई भी, तो बातें नहीं ख़त्म होती। तो जी बस इसके बाद जैसा मैं बता रही थी स्टार्टिंग में कि मुझे अपने फेस की करनी है, तो मैं यहाँ अपने भाई को भी कह रही थी, मैं कहा तुम्हारा भी लगाऊंगी मैं कहा जो भी है, और मेरे भाई को भी बहुत शौक है इन चीज़ों का, मतलब फेस पे अप्लाई वगैरह करने का। तो जी चलिए बस चाय पी के अब करते हैं अपने फेस पे अप्लाई सारी चीज़ें। तो जी देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है मामा अर्थ का फेस वॉश, इसमें हल्दी और केसर है और सभी जानते हैं कि हल्दी केसर हमारी स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद है। इससे फेस धोने के बाद हमें जो है करना है अप्लाई मामा अर्थ का उबटन फेस मास्क। और पहले के टाइम में देखिए सभी जानते हैं कि उबटन लगाया जाता था शादी वगैरह के टाइम पर, औरतें पीसती थी उसको और शादी वगैरह में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये आज के टाइम में देखिए भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो पीस के एक प्रोफेशनली तरीके से उबटन बनाए, तो ये मामा अर्थ का जो उबटन फेस मास्क है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम में अपनी स्किन की केयर करने के लिए। तो मुंह धोने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उबटन का जो ये मामा अर्थ का उबटन फेस मास्क है वो, इसको लगा के 15 मिनट रखना है और उसके बाद इसको हम रब करके धो लेंगे। तो देखिए इसमें जो फेस मास्क है ना ये, इसमें हमें हल्दी मिल जाती है और उसके अलावा मिल जाता है केसर और एप्रिकॉट ऑयल और मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये जो है पैराबेन और सिलिकॉन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, विद बायो एक्टिव्स आते हैं। और मामा अर्थ का ये जो उबटन फेस मास्क है इसमें तो जो है मतलब नेचुरली है, बिल्कुल टर्मेरिक है, सेफ्रन है, जो कि हमारे फेस को जो है एक नेचुरली ग्लो देते हैं और हमारी स्किन को जो है नरिश करते हैं। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं ना तो ये आपके प्रोडक्ट को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है इस पृथ्वी को साफ सुरक्षित बनाने में, क्योंकि मामा अर्थ का लक्ष्य है 2025 तक 1 मिलियन से ज़्यादा पेड़ उगाने का। और आपको बता दूं मैं, जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन, नायका और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाते हैं, और जो मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप है उस पर भी आपको ये लिंक मतलब इसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सभी के लिंक मैं डाल दूंगी। और अगर आप ये वाले प्रोडक्ट्स मामा अर्थ की वेबसाइट या फिर ऐप से खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मेरा कोड यानी कि जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नीरज2022 यूज कर सकते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वो भी सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पर। तो जी देखिए हमारा जो फेस मास्क है वो सूख गया है और अब इसको हल्का सा गीला करने के बाद जो है मैं इसको मतलब रब करके फिर धो लूँगी। और अब देखिए मेरे फेस का जो ग्लो है आया है ना डिफरेंस पहले और अब में। बताइए कि आप कब रख रहे हैं मामा अर्थ का उबटन फेस मास्क अपने पास? तो जी देखिए हो गया है हमारा, कौन से का ग्लो आया ज़्यादा?
बिल्कुल साफ हो गया आगे को देखो। देख डैडी ने पहले कर दिया था, मम्मी ने भी पहले कर दिया था, शेखर पहले बार करा, फिर भी बढ़िया रिजल्ट मिल गया है ना। अगर तेरी दाढ़ी सी ना होती ना, फिर पूरे फेस पे लगा देते तेरे, वो दाढ़ी में उलझ जा, फिर वो मतलब निकलता नहीं, साफ नहीं होता। तो जी मारा ग्लो आ गया, रिद्ध ना दो का तैयार हो लो सारे के सारे, नाश्ता बनावेंगे। आलू आलू के पराठे बना ना दो का नाश्ता करके जी पिए जा भी जाएगा। अभी तो चल रहा है मस्त, और इधर मुई तो बोया था मैं आया नहीं, तो 1 मिनट में लेट हो रहा मुझे नहीं। पता टाइम से कुछ क्या 3 दिन हो गए कच्चा पैर रहा मैं क्या कह रही है, ये मुई तो धोया था मैं आया धोया नहीं, तो हां तो ना धोया, हां तो यहां से डाल के ना कपड़े क्या हो गए, बस पहले मैं ना कहूं फटाफट जाके, फिर तुम दोनों इतना नाश्ता की तैयारी 10 बज गए एक बजे फिर नाश्ता बनाएगा तू, बात ना 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 दबागा इतना तो हो जाएगा काम, मुझे तो पानी डाल गाना बस। पांच तो जी देखिए ना दो के मैं हो गई हूँ तैयार, पियो के डैडी गए हैं नहाने के लिए और भाई बैठा है इंतजार में नहाने के, और बस अब मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। आलू उबाल के मैं गई थी नहाने के लिए, उसके बाद आके यहाँ पे मैं बस अपनी तैयारी में कर लग रही हूँ, मतलब सारी तैयारी कर ली है, आलू कद्दूकस कर रही हूँ मैं, प्याज वगैरह काट ली है, धनिया वगैरह आटा वगैरह सब कुछ लगा के मैंने रख दिया है। और वैसे ही मैं बताऊँ, आज बहुत दिनों के बाद अपने भाई के साथ मैंने इस तरीके से टाइम स्पेंड किया है कि बचपन में जो मस्ती करते थे आज वो करने का टाइम मिल गया हमें करने का दोनों तीनों को, तो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जी देखिए आलू कद्दूकस कर दिए हैं मैंने यहाँ पे, उसके ऊपर डाल दिया है मैंने प्याज और हरी मिर्च, और उसके साथ डाल दिया है हरा धनिया, बाकी जो आपकी इच्छा हो आप अपनी श्रद्धा अनुसार मसाले डाल सकते हैं इसमें। मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, ये गई क्या बोलते हैं इसको कसूरी मेथी, नमक गया, मिर्च गई और थोड़ा सा जीरा गया, और साथ में गया गरम मसाला। बाकी अब इनको कर देंगे हम मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप पराठे बना रहे हैं तो आलू को हाथ से फोड़ने के बजाय आप मैश कीजिए अच्छी तरह मैशर से, या फिर कद्दूकस कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब पराठे बनाते हैं ना, तो जो आलू को फोड़ के बनाते हैं तो उनके पीसेज बीच में आते रहते हैं, तो उससे जो पराठे हैं वो अच्छे नहीं बनते ना फूलते। तो जी देखिए बस लग गए हैं हम तो अपने काम पे, और पराठे तो आपको पता ही है कि फूले फूले बनते हैं, टेक्निक ही ऐसी है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जब आप आटा लगाते हैं पराठों के लिए तो उसको टाइट मत लगाइए, थोड़ा सा लूज छोड़िए, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टफिंग होती है अंदर की वो फैलती है, लेकिन आटा जो है वो नहीं फैलता अगर हार्ड होता है। तो इसलिए जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगाइए, जिससे कि स्टफिंग के साथ साथ आटा भी फैल जाए, नहीं तो क्या होता है कि हार्ड आटा होता है तो पराठे फटने लगते हैं। और फुल्ले फुल्ले तो आपने देख ही लिए पराठे कितने बन रहे, बस जी यहाँ पे भाई और ये लग रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और बस फिर मैं भी करूँगी, ये जाएंगे, भाई को जाना है वापस आज, और वो जो हमने आइसक्रीम जमाई थी ना तो वो भी मैंने इसको दे दी थी रबड़ी। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लिया है और हो गया चलने की तैयारी, अब चलेंगे उधर हम, थोड़ा वो जो भी काम है आज काम करेंगे, लेट वैसे हो गए, 11 बज लिए, 11 बजे क्या काम करेंगे। कृष्णा आप यहीं रुक जाना है ना, जाना है आपको सच्ची, अरे यहीं रुक जाइए तू नहीं है क्या, आज तेरी दिवाली आने वाली है। अच्छा जी दिवाली आने वाली तेरी है तेरे, अच्छा यहीं रुक जाते हैं तो जी बस चलते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या करना है। तो जी देखिए भाई और ये चले गए हैं, जैसा कि मैंने बताया भाई को जाना था आज वापस, तो वो चला गया था, पता नहीं मतलब उसका कंफर्म नहीं था कि वो रहेगा या जाएगा, लेकिन बाद में वो चला गया था, बाद में मुझे फ़ोन आया कि वो चला गया है। तो जी 2-3 दिन हो गए थे उसको वैसे आए हुए, और देखिए जी घर पे अपने भी काम होते हैं, तो यहाँ पे बस मैं अपने बाकी के काम करने लगी हूँ। और ये बेडशीट ना बिछाने के बाद इतनी सुंदर लग रही बहुत ही, तो मुझे तो बड़ी पसंद आई है बेडशीट, और जो बाहर बिछी हुई है ब्लैक कलर की वो भी आप लोग बोल रहे थे कि सुंदर लग रही, ये वाली जो बेडशीट है ये कॉटन की है, और जो बाहर बिछी हुई है ब्लैक वाली वो है क्या बोलते हैं उसका थोड़ा सा मिक्स कपड़ा है, वो बोलते तो हैं उसको कुछ, मेरे याद नहीं आ रहा, पर उसको मिक्स सा कपड़ा है कॉटन के साथ। और ये वाली तो मैंने मीशो से मंगवाई थी, और देखिए बिछाने के बाद ये वाली बेडशीट भी कितनी सुंदर लग रही है। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपना बेडशीट का कलेक्शन, काफ़ी सारी बेडशीट्स मेरे पास हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैंने यूज की है कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊं मतलब मुझे चीज़ें खरीदने का लेने का शौक बहुत है, पर मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करती, बहुत पुरानी पुरानी बेडशीट्स मेरे पास रखी हुई हैं जिनका कि मैंने 1 या 2 बार ही इस्तेमाल किया है, और वो अच्छी लगती हैं, ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं फिर उनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ले के रख लेती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी ये वाला जो रूम है इसके भी मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह सही कर दिए हैं, बल्कि मतलब ये है कि सुबह के टाइम ये जो यहाँ पे सोफ़े डाले हैं ना मैंने,
तो आप लोगों ने बोला भी है कि दी बाहर ही डाले, पर जी वही है कि बार बार जो है चीज नहीं ली जाती, और ऑलरेडी इनको चूहों ने काट लिया है पीछे की साइड से, जो छोटे वाली सीट्स है ना इनकी साइड वाली, उनको भी चूहों ने काट लिया है, तो इसलिए मैं इनको बाहर नहीं डाल रही। हाँ ये जरूर है कि आप लोग बोल रहे थे कि दी बेड जो है बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, तो ये मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं यहाँ पे मैट बिछा दूँ नीचे, जिससे कि मतलब उसी पे ही बैठ के खाएं, बेड पे ना बैठना पड़े। ऐसा नहीं है कि जी हम आपकी बात नहीं सुनते, आपने देखा भी होगा बहुत सारी चीज़ें हमने घर में अपने इस तरीके से एडजस्ट की हैं जैसे आपने बोला है, नहीं तो देखिए कहाँ होता है। पर यह है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कई चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हम तो खुद तो कैसे भी बैठ के खा ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई आता है चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई जान पहचान वाला, तो उनको नहीं हम बोल सकते कि आप नीचे बैठ के खाइए, या ना अच्छा ही लगता। तो इसलिए यहाँ पे बस ये मैंने डाला हुआ था, पर जी कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे सुनीता लगा रही है पोछा और कपड़े वगैरह उसने धो दिए हैं, और अब ना जो कपड़े हैं वो मैं रोज़ के रोज ही धुलवा रही हूँ सुनीता से, क्योंकि भाई फिर इकट्ठे हो जाएं तो वो रखने में भी उठाने में भी दिक्कत हो गया उनको। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही हूँ, और कृष्णा चला गया था उन्हीं के ही साथ। और ये जो येलो वाला सूट है मैंने मीशो से लिया था, तो सूट का मतलब कलर वगैरह तो फेड नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना श्रिंक हो गया, बाकी अभी मुझे गिल्ला लग रहा था, शायद सूखने के बाद ही वैसा ही लूज हो जाए, तो कपड़े का मुझे इसका थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये शायद श्रिंक ना हो जाए। बाकी पहनने के बाद सूट बड़ा सुंदर लग रहा था, बल्कि मेरा भाई भी बोल रहा था कि सूट बहुत अच्छा लग रहा तेरा। और आप लोग मेरे भाई के चैनल का नाम पूछ रहे थे क्या है, तो मेरे भाई के चैनल का नाम है फार्मिंग मास्टर HD, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपके साथ उसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, या कम्युनिटी में उसकी वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। गेहूँ पड़े थे वो भी मैंने फैला दिए हैं, मतलब जो भी काम है अपने करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो यहाँ पे जी सुनीता लग गई है अपने फेवरेट काम पे, और हेयर स्टाइलिंग करना सुनीता का सारे कामों में सबसे फेवरेट काम है, और ये ऐसा काम है कि ये अगर आप सुनीता से पूरा दिन भी करवाएंगे ना, तो वो पूरा दिन इस काम को करने के लिए तैयार है, बच्चे हों बल्कि पीयू हर के भी वो खड़ी रहती है कि मतलब पीयू हर के भी बाल में कर दूँ सेट, तो इसको बड़ा शौक है हेयर स्टाइलिंग करने का। और मैं बताऊँ इसने कहीं सीखा नहीं है, सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब पे वीडियो देख देख के ही इसने सीखा है जो भी है। मुझे हेयर स्टाइलिंग नहीं आती करनी, मतलब चोटी वगैरह नहीं आती करनी, लेकिन मुझे अच्छे बड़े लगते हैं, और जिस तरीके से सुनीता बनाती है ना बाल, ये भी बड़े अच्छे, और ये इतनी कारगुजारी करती है ना बालों में मेरे, मतलब अब तो ये आगे से चोटी कर दी, फिर पीछे से दीदी मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूँ, दीदी मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ, मतलब इसको बड़ा शौक है करने का। तो बस फिर जी मुझे भी क्या बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा तो काम हो रहा है, मेरे बालों के स्टाइल बन रहे हैं, हाथ मतलब साथ के साथ हाथ उसका भी साफ हो रहा है और मेरे भी बालों का स्टाइल बनता जा रहा, तो मुझे क्या बुरा लगेगा फिर। पर ये है कि बस जी चलिए कोई नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, वो मेरे पास है तो मैं ही अवेलेबल हूँ अभी तो उसके लिए। पर ये है कि जी स्टाइलिंग बहुत अच्छी करती है, चोटी वगैरह जो है बहुत अच्छी बनाती है ये। तो देखिए इसने यहाँ पे मेरे बाल जो है वो कम्प्लीटली बांध दिए हैं पीछे की साइड। हाँ ये जो खजूर चोटी बोलते हैं इसको शायद, ये तो खजूर की चोटी मुझे बता रही थी जो पीछे की साइड कर रही है बालों की अभी। तो जी देखिए मेरी बालों की इसने कर दी है चोटी, और अब ये मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे के गई हुई है कि दीदी अब आप बाल मत कटवाना, ना अपने कटवाना ना बच्चों के, क्योंकि जब बाल छोटे हो जाते हैं तो चोटी नहीं बनती। तो इसको वही वही है, सबको अपना अपना मर्ज है कि इससे चोटी नहीं बनती फिर। तो देखिए जी इसने बना दिया है बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल, उसके बाद वो चली गई है, और यहाँ पे बच्चे अपना खेलने में लग गए हैं। तो प्यूरुई को खेलना था तो यहाँ पे मैं मैट बिछा रही थी नीचे, टॉयज हैं बहुत सारे, तो मैंने जब साफ किया था ना स्टोर तो तब वो निकाल ले थे, तो तब से ये परेशान हो रही थी कि मम्मा खेलना है, तो मैं कहा चलिए बेटा जी निकाल देती हूँ मैं टॉयज वगैरह जो हैं आपके। तो जी बस देखिए यहाँ पे ले आई है ये अपना बॉक्स, और बहुत सारे टॉयज थे इसके, तो बस ये खेल लेंगी थोड़ी देर और मैं अपना आराम करूँगी थोड़ा सा, कृष्णा भी आ गया था। तो जी बस सारा दिन भाग दौड़ में ऐसे ही निकल जाता है, और बस भाई के साथ तो आज सावाई वाकई में ही बहुत अच्छा लगा। तो जी बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।